नमस्कार दोस्तों, यह रीट लेवल वन का पेपर है जो 2013 में आर टेट के बाद रीट अध्यापक भर्ती के लिए सीधा पेपर हुआ था। तो वो पेपर है, तो उसका पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली रीट में कैसा पेपर आ सकता है। तो क्योंकि सरकार ने अभी क्या बोला है कि 2013 के हिसाब से हम पेपर करवाएंगे उसी पैटर्न के आधार पर, तो मेन पेपर होगा वो किस प्रकार होगा। तो इसमें 60 क्वेश्चन हैं वो राजस्थान जीके के हैं, और 60 क्वेश्चन 120 नंबर के हैं, और आगे बाकी वाले आगे सभी क्वेश्चन हैं 80 क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के हैं। इस हिसाब से 60 के 120 नंबर और 80 के 80 नंबर, तो 200 अंक हो गए। तो इस हिसाब से आपका पेपर आता है जिसमें मनोविज्ञान के 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 अंक के होंगे। और इसके बाद ये विद्यालय विषय हैं, ये स्कूल सब्जेक्ट के बुकों के हिसाब से सीधे प्रश्न आएंगे। ये ग्रामर के हैं या सीधा के हैं, शिक्षण विधियों के ये नहीं है, ये सीधे क्वेश्चन है। हिंदी के साथ है, इंग्लिश के साथ है, गणित के साथ है, और सामान्य विज्ञान के साथ है, सामाजिक अध्ययन के साथ है। और अभी ये आ गई शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों के टोटल 38 क्वेश्चन हैं और जो सब एक एक नंबर के हैं, जिसमें 7 हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, 7 इंग्लिश की है, 8 8 8 है गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की है। इस हिसाब से आपके ये क्वेश्चन हो गए 160 और 80, 140 क्वेश्चन हो गए और नंबर हो गए आपके 200। अब ये देखें तो आपके ये पेपर राजस्थान जीके का है, तो आप आराम से देख सकते हैं। मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ाऊँगा। ये ग्रीष्मेल का है, इतिहास संबंधित क्वेश्चन है, रणकपुर वाला है। और दोस्तों इसमें ये टिक लगे हुए हैं, ये 100% सही नहीं है, ये पीछे लिखे हुए हैं ए बी सी, ये सही है, सही आंसर है, दिए गए आंसर है। तो आप आराम से देख सकते हैं और वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। आप धीरे धीरे वीडियो को देखें और पूरा पेपर समझ लें। मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा पूरा पेपर, देखते रहिए दोस्तों। एशिया कप, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, एशिया हॉकी कप। और ये क्षेत्रफल का अनुपात है, ये कतकड़ी जनजाति संबंधित जिला पूछ लिया, ये दिवस पूछ लिया, विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखते रहिए दोस्तों पूरा पेपर, आप आराम से समझिए। दोस्तों मैंने भी रीट की तैयारी की है, रीट L1 में 126 अंक आ रहे हैं, तो आप जानते ही है क्या स्थिति है। तो अभी तैयारी शुरू की है, तो जो भी कोई मटेरियल आएगा तो आपको मिलेगा इस चैनल पे। यह खंड सेकंड है, राजस्थान के 30 क्वेश्चन हो गए, अभी क्या सेकंड खंड है इसमें, यह 31 से स्टार्ट हुए। यही राजस्थान जीके की है, राजस्थान जीके को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं गूगल पे भी नहीं मिल रहा है भी पेपर। मैंने अभी स्कैन करके इसका वीडियो बनाया है, पूरी PDF बना के। तो जिन जिन भाइयों को समझना है ये पेपर, तो आप ज़रूर उनको शेयर करें। ये लंगूरिया गीत किस मेले में आकर्षक का केंद्र है, बहुत कहे तो लेवल का है, बढ़िया, क्योंकि अपने अभी शुरू किया है जीके पढ़ना। और 80 कौन सी राजस्थान जीके के लिए कौन सी बढ़िया बुकें रहेगी, इससे संबंधित भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये खंड थर्ड आ गया, अब ये साइको आ गई, मनोविज्ञान के 7 प्रश्न हैं, आपको पहले भी बता दिया मैंने, ये डबल लैंग्वेज में है। आप वीडियो को रोक के आराम आराम से देखिए। ये मनोविज्ञान के बाद अब हिंदी का आया है, हिंदी के पेपर है, हिंदी के 7 प्रश्न है, आपको बताइए। अभी इंग्लिश आ गई दोस्तों, इंग्लिश के भी 7 प्रश्न हैं, आप आराम से देखो।
इसके बाद ये गणित आ गई, गणित के 7 प्रश्न। दोस्तों यदि आप 130 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप परीक्षा का विरोध कीजिए, क्योंकि इसमें मेरिट है वो 135 की समथिंग रहेगी, इससे कम रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत बड़े स्तर पे आउट हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो अभी रद्द हो जाए तो हमारे लिए पोस्ट बहुत अच्छी होगी, 30,000 समथिंग पोस्ट होगी, नहीं तो फिर वो भी 15,000 पोस्टों पे हम लड़ेंगे, क्योंकि इसमें आधे नकल वाले लगेंगे, और 15,000 और 30,000 में बहुत फ़र्क होता है। तो दोस्तों जहाँ भी अपने स्तर पे हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी ज्ञापन दे के आप विरोध कीजिए, क्योंकि पेपर बहुत बड़े स्तर पे लीक हुआ है, सरकार इसको रद्द नहीं करना चाहती है। देखिए ये इंडिया जी के सामाजिक अध्ययन था, लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान संबंधित ये प्रश्न है। हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये उस टाइम का प्रश्न है, और ये आगे अपने शिक्षण विधियों के प्रश्न, शिक्षण विधियों के हर सब्जेक्ट के 8-8 प्रश्न हैं, 8 7 7, और अंतिम 3 सब्जेक्टों के 8-8 भी है, तो बहुत लेवल की शिक्षण विधियाँ हैं, अपने रीड के लेवल से बहुत बढ़िया लेवल। ये इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ हैं, अंग्रेज़ी की भी शिक्षण विधियाँ आएगी दोस्तों इस बार, जिसकी अंग्रेज़ी से डर लग रहा था, लैंग्वेज नहीं ले रहे थे, मेरे भी नहीं थी दोस्तों, अब पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें। ये दोस्तों शिक्षण विधियों में एक इतिहास का प्रश्न आ गया, रामानुजन शताब्दी महान गणितज्ञ थे, जो गणित संबंधित है, ये विधियों से ही बनता है ये तो क्वेश्चन। दोस्तों आप आराम से देखिए, पूरा पेपर समझ लीजिए, यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको वहाँ से भेज दूँगा। देखिए दोस्तों 147 क्वेश्चन है और 200 अंक के हैं, अपना टारगेट 180 प्लस होना चाहिए, जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। देखिए ये शिक्षण विद्या है, ये हमारे हो गया पूरा पेपर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी तैयारी को बहुत जोश जुनून के साथ तैयार कीजिए दोस्तों, अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन इस बार